नमस्कार, मैं नीता देवलिया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से पुनः आपका स्वागत करती हूँ। हठ प्रदीपिका में वर्णित अंतिम कुंभ भाग प्लावी उसका अभ्यास किस प्रकार स्वामी स्वात्मराम जी द्वारा बताया गया है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। और आपको केवल विधि बताई जाएगी, प्रयास करके दिखाया जाएगा, परंतु यह जो अभ्यास है यह उच्चतम स्थिति है। स्वामी स्वात्मराम जी ने प्राणायाम के 3 अंग बताए हैं, पूरक, कुंभक व रेचक। अंतरकुंभक की बात करते हुए आपने पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, जालंधर बंद व मूल बंद के साथ अंतरकुंभक की बात की है, जिसमें आपको श्वास को अंदर रोकना होता है। कुंभक की उच्चतम स्थिति प्राणायाम की उच्चतम स्थिति है, जिसमें जो अंतिम अभ्यास है मूर्छा व प्लावनी तभी संभव हो सकते हैं जब आप कुंभक को सिद्ध कर लें। आप कुंभक का उच्चतर स्थिति पर अभ्यास कर रहे हैं, यह सामान्यतः अभ्यास हम करने जा रहे हैं। केवल विधि का स्पष्ट करते हुए आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, परंतु ध्यान रहे यह अभ्यास कुशल योगी व कुशल गुरु के मार्गदर्शन में ही अभ्यास संभव हो सकता है। इस प्रकार स्वामी स्वात्मराम जी ने इसका वर्णन किया गया। स्वामी स्वात्मराम जी कहते हैं, श्वास नलिका द्वारा आपको लंबा गहरा श्वास भरना है और उदर को वायु से पूरा भरकर श्वास को रोकना है, कुंभक करना है। यह कुंभक की उच्चतम स्थिति है। तो दीर्घ कुंभक की बात की गई है, परंतु जो हम अभ्यास करके दिखाएंगे वह सामान्यतः कुंभक जो हम वर्तमान समय में सामान्य कुंभक का अभ्यास करते हैं उस स्थिति में करेंगे, तो किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्योंकि पहले भी मैंने बताया था यह अभ्यास साधना के क्षेत्र में उच्चतम अभ्यास है, वह अंतिम प्राणायाम है। तो आइए श्वास भरेंगे, उदर को वायु से भरकर कुंभक करेंगे हम। दीर्घ कुंभक की बात स्वामी स्वात्माराम जी ने प्लावनी कुंभक के विषय में बताया है, चर्चा करते हुए इसकी विधि बताई है और कहा गया है कि इस अभ्यास से साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह कमल के समान जल पर तैरने लगता है। अर्थात प्राणायाम से लाघव की बात व लाघव की सिद्धि की बात यहाँ पर की गई है, कि प्राणायाम की सिद्धि से शरीर में इतना हल्कापन आने लगता है। तो प्लावनी के विषय में इस प्रकार स्वामी स्वात्मराम जी ने चर्चा की।